हिंदी सिनेमा को शुरुआती दौर में जिन अभिनेत्रियों ने एक अलग ऊंचाई दी, उनमें एक नाम उस दौर की खूबसूरत एक्ट्रेस नरगिस का भी शामिल है। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। नरगिस के पिता उत्तम चंद मोहनदास एक जाने माने डॉक्टर थे। उनकी माँ जद्दनबाई मशहूर नर्तकी और गायिका थी। माँ के सहयोग से ही नरगिस फिल्मों से जुड़ी और उनके करियर की शुरुआत हुई फिल्म तलाशे हक से, जिसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। महज 6 साल की उम्र में काम कर नरगिस बेबी नरगिस के नाम से मशहूर हो गईं। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की। 1940 से लेकर 1950 के बीच नरगिस ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जैसे बरसात, आवारा, दीदार और श्री 420। तब राज कपूर का दौर था। नरगिस ने राज कपूर के साथ 16 फिल्में की और ज्यादातर फिल्में सफल साबित हुईं। नरगिस के अभिनय का जादू कुछ ऐसा था कि साल 1968 में जब बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पहले फिल्म फेयर अवार्ड देने की बारी आई तो उन्हें चुना गया। राज कपूर और नरगिस की नजदीकियों की चर्चा पूरे फिल्म जगत में होने लगी। राज कपूर को लेकर नरगिस की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि नरगिस ने राज कपूर के लिए अपनी सोने की चूड़ियां तक बेच डाली। उन्होंने दूसरे निर्माताओं की फिल्मों में काम करके आरके फिल्म्स की खाली तिजोरी को भरने का काम किया, लेकिन समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और इन दोनों की जोड़ी की टूटने की चर्चा भी गर्म हो गई। और आखिरकार 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी नरगिस और राज कपूर की जोड़ी वाली अंतिम फिल्म थी और यहीं से दोनों के रास्ते बदल गए। राज कपूर से अलग होने के ठीक 1 साल बाद नरगिस ने 1957 में महबूब खान की मदर इंडिया की शूटिंग की। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई। सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया और दोनों में प्यार हो गया। मार्च 1958 में दोनों की शादी हो गई। दोनों के 3 बच्चे हुए, संजय, प्रिया और नम्रता। नरगिस एक अभिनेत्री से ज्यादा एक समाज सेविका थी। उन्होंने सुनील दत्त के साथ मिलकर अजंता कला सांस्कृतिक दल बनाया, जिसमें तब के नामी कलाकार गायक सरहदों पर जाकर तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे और उनका मनोरंजन करते थे। आपको बता दें कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए नरगिस कोमा में चली गईं। 3 मई 1981 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही उनका संजय को फिल्म में काम करते देखने का सपना भी उनके साथ ही चला गया। जिस दिन नरगिस की मौत हुई, उसके 1 सप्ताह बाद ही संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी। NTI पॉकेट TV के लिए रचना मिश्रा की रिपोर्ट।